हेलो एवरीवन, दिस इज युवराज सिंह विद द टेक्निकल पार्टनर अतुल सिंह। आज हम लोग देख रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के जितने एडवांटेजेस हैं जितने डिसएडवांटेजेस हैं यार, हम लोग इसका कंपैरिजन इसके अदर ब्रांचेस के साथ भी कर रहे होंगे यार, एलपीयू जैसे यूनिवर्सिटी के साथ भी कर रहे होंगे। हम लोग इसके लोकेशन से लेकर जो भी इस कॉलेज के जितना भी यार मिथ है ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर की कर रहे होंगे। तो वीडियो बने रहना, चलिए शुरू करते हैं। वो 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये कॉलेज जो है टोटल 60 एकड़ में फैला पड़ा है, जो कि एक शानदार कैंपस है। 60 एकड़ काफी ज्यादा होता है यार। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो देखो एमईटी का जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा सेंट्रल और काफी ज्यादा बेहतरीन जगह पर है। तुम देख सकते हो जितने पैनल लगे हैं जितने बिल्डिंगों के ऊपर वो सारी यार एमईटी के ही अंदर में आती है। बीचों बीच में सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि यार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लाइब्रेरी है। ठीक है, ये इन लोगों का मेन बिल्डिंग है यार। इसके ठीक बगल में बीबी और एमबी वाले की बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे हॉस्टल्स हैं यार। कुछ लोग कहते हैं नोएडा में गर्मी काफ़ी होती है, लेकिन देखो यार बगल में यमुना रिवर पास हो रहा है तो गर्मी की कोई दिक्कत ही नहीं है यार। आराम से बताया, यहाँ पे हैंगआउट वगैरह भी हो सकता है। बगल में सोसाइटी है तो जिन लोगों को यार पीजी लेना है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। ठीक, फिर बगल में यार देखो एकदम बेहतरीन हाईवे पास हो रहा है यार। लोकेशन की बात अगर मैं इसके एलुमिनाई बेस की बात करूँ तो यहाँ से यार कुणाल कीमा जैसे जो एक्टर है इसमें बहुत बड़े यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दो, अभय जो मूवी है उसके जो एक्टर है वो लोग इसके एल्यूमिनाई रह चुके हैं। दूसरे एल्यूमिनाई की बात करूँ तो यार दिशा पटानी है जो कि यार लखनऊ वाले एमईटी से निकली है, लेकिन यार एमईटी के ब्रांच से निकली है। फिर मैं बात करूँ तो रंजन सिंह सोडी यार, जो कि यार गोल्ड मेडलिस्ट है यार, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं शूटिंग में, वो भी यार इसके एल्यूमिनाई है। तो यार एक काफी स्ट्रॉन्ग मतलब एल्यूमिनाई बेस है। फिर मैं अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो उसका यार बीटेक का फीस है वो आपका 2,10,000 चार्ज होता है। देखो बीटेक का मतलब फीस ठीक ठाक चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यार देखो स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि सिंपल सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल कोर का तो इतना इतना ही चार्ज करते हैं, उसी को सीएस को थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा कर देते हैं। वैसे जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि कई स्पेशलाइजेशन है यूनिवर्सिटी में तो उसके साथ अलग, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, अलग अलग फीस होता है। सेम केस है बीबीए में, बीबीए का जो नॉर्मल फीस है वो आपका 2,00,000 है, लेकिन वहीं पर अगर आप स्पेशलाइजेशन पे जाते हो या फीस आपका पूरे साल का 5,00,000 तक भी जा सकता है, स्पेशलाइजेशन में डिपेंड करता है। फिर अगर मैं बात कर लूँ यार इसके बीसीए कोर्स की तो बीसीए का जो फीस है वो 1,80,000 है। फिर अगर से बीएससी का बात करूँ तो बीएससी में भी सेम चीज स्पेशलाइजेशन वाला केस है यार, तो डिपेंड करता है अलग स्पेशलाइजेशन में जो कि है 1,20,000। फिर इसके अगर एमबीए की बात करूँ तो एमबीए का जो फीस है वो 2,10,000 है, जो कि मुझे वर्थ लगा क्योंकि देखो इसके एमबीए का जो मतलब प्लेसमेंट वगैरह काफी मतलब ठीक है यार, काफी सही है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेरिजन कर लो तो उसके हिसाब से 2,10,000 अगर चार्ज करते हैं एमबीए का तो काफी सही है यार। फीस के बाद अगर तुम कहने वाले हो कि भाई इतना ज़्यादा फीस के अगर मतलब कुछ मिलता भी है कॉलेज से कितना फीस लेने के बाद कुछ, तो मैं पहले बता दूँ पर 15 एकड़ का इनोवा पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हो इतना ज़्यादा मतलब एकड़ में कॉम्प्लेक्स दे दिए केवल स्पोर्ट्स के लिए। जो नॉर्मल स्पोर्ट्स सारे कॉलेज कराते हैं, फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह सब लोग कराता है, फिर अलग इस कॉलेज में कौन से स्पोर्ट्स हैं जैसे कि शूटिंग, दूसरा स्क्वैश, तीसरा पूल, चौथा हॉर्स राइडिंग। भाई ऐसे से अलग स्पोर्ट्स यार मतलब और कोई कॉलेज नहीं कराता ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना, उसके से जो फीस इतना चार्ज कर रहे हैं एक्टिविटीज के लिए जो कि ज्यादा हो जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप की तरफ तो स्टार्टअप काफी मतलब प्रमोट करते हैं ये लोग। देखो मैं नोएडा का कैंपस की बात कर रहा हूँ, देखो नोएडा में ही प्रमोट किया था। अब यार मैं अच्छे अगर एडवांटेज की तरफ बात करूँ तो पहला वाला सबसे बेहतरीन एडवांटेज है, देखो यार यूनिवर्सिटी इतना बड़ा होने के बावजूद, इतने एक्टिविटीज प्रोवाइड कराने के बावजूद, इतना मतलब बच्चे रखने के बावजूद भाई यहाँ पे यार रैगिंग नहीं होती है भाई, कम्प्लीटली मतलब भाई रैगिंग फ्री है। कुछ बच्चे भाई मिथ ऐसा बना पड़ा है कि भाई मतलब रैगिंग होती है एमिटी वगैरह में, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, एकदम रैगिंग नहीं होती है। दूसरा जो सबसे बढ़िया एडवांटेज लगा टीचर, देखो अभी जो 30% टीचर है वो यार काफ़ी मतलब सही टीचर है, 50% जो टीचर्स की पॉपुलेशन है वो एवरेज है, और यार 10% तुम 10-20% कह सकते हो, मतलब 10% या बिलो एवरेज मान सकते हो, और 10% तो एकदम लो मतलब ऊपर है यार, सब कुछ जो भी पढ़ाएंगे सब ऊपर जब बेइज्जती है। अब तुम कहोगे भैया तो एडवांटेज क्यों बताया, केवल 30% बेहतरीन टीचर है मतलब तो नीचे ही आ रहे हैं ना,
देखो मैं बता रहा हूँ, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ जाओगे उसमें 10% ही केवल बेहतरीन टीचर मिलते हैं, यहाँ से कम से कम 30% मतलब बेहतरीन टीचर मिले। फिर मैं इसके और अगर एडवांटेज की तरफ बात करूँ, देखो अगर तुम MET ज्वाइन करते हो तुम्हारे जो कम्युनिकेशन स्किल है प्लस तुम्हारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। देखो मैं बता रहा हूँ यार, ये सब तो ठीक है, प्लस जानते हो लोग तुम्हें प्लेसमेंट के ठीक पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते हैं जिसमें मतलब तो बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि भाई इंटरव्यू में कैसे क्या बोलना है, तो ये भी मतलब बहुत बेहतरीन चीज़ है जो कि यूनिवर्सिटी करता है बच्चों के लिए। ये अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज बात करूँ, सबसे पहला मुझे डिसएडवांटेज लगा है कि 75% अटेंडेंस है, काफ़ी ज़्यादा लोचा है। मैं बता रहा हूँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही लो लेते हैं भाई, मतलब तुम कॉलेज छोड़ ही नहीं सकते अगर 75 से कम सेमेस्टर बैठ नहीं देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोचा टाइप पे लग गया, मतलब थोड़ा सा भी कम होता तो सेमेस्टर बैठने नहीं देते, फिर जाके तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से बात करना होता है। फिर अगर इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट देते हैं कॉलेज में भाई, मतलब समझो भर के देते हैं। MET वालों अगर स्टूडेंट से तुम पूछोगे तो सबसे जो परेशान है वो इसी बात पे कि खूब ज़्यादा असाइनमेंट मिलता है, जो कि मतलब फ्री टाइम छोड़ता है, तो अगर तुम अदर एक्टिविटीज थोड़ा तुम सोचते हो एक्सप्लोर करना है तुम्हें अदर एक्टिविटीज, उसकी तुम टाइम ही निकाल पाते क्योंकि असाइनमेंट तुम्हें छुट्टी नहीं मिलता है, तो मुझे डिसएडवांटेज लगा। फिर मैं इसके और डिसएडवांटेज बात करूँ तो देखो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है MET में पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट के टाइम पर काफ़ी कॉम्पिटिशन वाला माहौल हो जाता है। यूनिवर्सिटी में भी मतलब 5,000-10,000 बच्चे एक साल साथ बैठ रहे हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाता है। फिर कंपनी किसको उठाती है, स्टार्टिंग के 100 लोग को, तो मतलब बड़ी कंपनी उसमें बात कर रहा हूँ, वरना यार ऑलमोस्ट सबको तो हमारी मास रिक्रूटर ही उठाती है, तो ये मुझे डिसएडवांटेज लगा कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। एक और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो देखो ये सच बात है यार कि रईसों का ये कॉलेज है, तो यार काफ़ी ज़्यादा रईस तुम्हें मिल जाएंगे, तो भाई देखो रईस तुम्हारा दोस्त है खूब काफ़ी ज़्यादा रईस है, तो भाई वो पैसे खर्च करेगा, तो भाई तुम्हारा अगर दोस्त है तुम्हें भी मन कर रहा होगा तो भाई पैसे काफ़ी खर्च हो जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, कितना पैसा मारूं हूँ मैं। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन यार MET लखनऊ के साथ करूँ तो देखो MET लखनऊ भाई सबको मालूम है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन प्लेसमेंट दोनों के बराबर है भाई। तुम काफ़ी मिथ सुनोगे कि भाई बोला जाता है पहले नोएडा को प्लेस किया जाता है, फिर मतलब ऐसे करके सारे ब्रांचेस को किया जाता है, फिर जयपुर वगैरह आता है, फिर लखनऊ, ऐसा कोई सीन होता है भाई, सच बात है। लेकिन एवरेज प्लेस तुम दोनों कॉलेज का मिलाओगे लखनऊ और नोएडा तो दोनों का एकदम सेम मिलेगा। तो भाई देखो मतलब एक तो कंपैरिजन में ये वरना एक्टिविटीज वगैरह में और स्टार्टअप को प्रमोट करने में भी नोएडा आगे चला जाता है लखनऊ से। फिर अगर वही मैं MET कंपैरिजन LPU के साथ करूँ तो भाई देखो इसका भी यार जो प्लेसमेंट है वो सेम है LPU की तरफ, जितना LPU प्लेसमेंट देता है उतना ही ये भी देता है, LPU जो एक्टिविटीज देता है सेम एक्टिविटीज MET भी देता है। लेकिन अगर फेम की बात आई, मान लो तुम साउथ इंडिया में जाकर ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करते हो, अब वहाँ पे सोचते हो कि भाई मुझे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होना है, तो वहाँ पे देखो ऑफ कैंपस में जो कंपनियाँ होती हैं वो तुम्हारा कॉलेज जरूर देखेंगे, तो अगर तुम्हारा सामने MET या LPU हो जाता तो भाई MET को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कम्पेयर टू LPU। भाई एक्टिविटीज ऑलमोस्ट जो MET कराता है सेम LPU भी करा रहा होता है, लेकिन MET थोड़ा स्टार्टअप को भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, LPU उतना नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ पर भाई MET थोड़ा सा आगे हो जाता है। फिर अगर मैं प्लेसमेंट देखूँ तो देखो जो असलियत है वो यही है, 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट में जाता है, हाईएस्ट इन लोगों का 37 लाख गया जो कि अमेजोन ने दिया है, लेकिन उतना हाईएस्ट मतलब एक ही बच्चे का गया है, उसके बाद उसके ऊपर नहीं गया, उसके आसपास भी किसी खास बच्चों का नहीं गया है। फिर अगर मैं बात बता दूँ ये बात की काफ़ी ज़्यादा मास रिक्रूटर आती है बच्चों को उठा के लेके जाती है, तो अगर मान लो TCS वगैरह में यही सीन है, TCS इन्फोसिस वगैरह आती है एक साथ काफ़ी बच्चों को लेके चली जाती है। फिर मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो अधिकतर बच्चे मोर देन 50 का मतलब तुम समझो 70% तक बच्चे जो होते हैं वो नोएडा में ही यूनिवर्सिटी के आसपास ही मतलब जो अदर जो इंडस्ट्रीज नहीं है उसमें प्लेस कर दिए जाते हैं। अगर तुम ये बोलो कि भैया आपका क्या एडवाइस है, कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो मैं पहले तो बता रहा हूँ, पहला चीज़ अगर तुम सेल्फ कंट्रोल रखते हो मतलब पूरे टाइम कॉलेज में तुम्हें सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ कंट्रोल का आता है, तुमने स्कूल के टाइम पर सेल्फ कंट्रोल सीखा है, अपने वो कंट्रोल ढंग से कर लेते हो, ये सेकेंडली यार भाई अगर तुम बुरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो, तुम समझ सकते हो बुरे एक्टिविटीज़ से मेरा कहना कहने का क्या मतलब है, समझ रहे हो उस वो। और थर्ड यार अगर तुम फर्स्ट ईयर से अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हो, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड लगाना या रीजनिंग लगाना या मतलब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, तो यार तो कॉलेज ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई तब तुम ऑफ कैंपस भी उठा के काफ़ी मतलब सही रहेगा, क्योंकि देखो यार MET जो तुमको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है इतने पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई कॉलेज तुम्हें नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा MET दे रहा है यार, तो तुम कर सकते हो एक्सप्लोर, लेकिन यार यहाँ पे मतलब
अगर तुम्हें बिगड़ना है तो तुम काफी आराम से बिगड़ जाओगे, तो उसके यार तुम पर पूरा डिपेंड करता है तुम्हें कैसा करना है। फिर तुम्हें एक और चीज बता दूं यार, देखो हम लोग का जो चैनल है उस पर काफी शॉर्ट्स अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि प्लेसमेंट्स और तुम कॉलेज में सेमेस्टर में मार्क्स कैसे उठाने हैं, प्लस या कुछ कुछ भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट में मतलब क्या क्या चीजें कर लेंगे जिसके से इंटर्नशिप वगैरह काफी आसानी तरीके से मिल जाता है, उन सब में काफी शॉर्ट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उस पर भी रेगुलर रहना, सब्सक्राइब कर दो, ऑल द वेरी बेस्ट।